अंजलि शांत हो जाइए सोहेल जी, हिम्मत रखें। We are sorry for your loss। हमने ये वक्त आपके परेशानी समझ सकते नहीं, लेकिन माफ कर, अब हमने कि आपसे थोड़ा बहुत पूछताछ करे के हो कि अभी का आप बता सकते नहीं कि एग्जैक्टली का भइल रहे? सर, हम प्रांजलि बेडरूम में रही, ओकर ओकर बर्थडे आवे वाला रहे सर, ओकर तैयारी में लगल रहे, हमरा कहनी की गेस्ट आवे वाला बड़े, ओकर लिस्ट बतावत रही सर, लेकिन हम अपन काम में बिजी रही सर, केस की तैयारी करत रही। सोहेल, हम सोचता नहीं हमारे बर्थडे ना इस बार बैंक्वेट हॉल में मनावे के, का बोला तारा? हाँ ठीक बा। और ना हमने की फैमिली मेंबर्स के भी बुलावल जाए दोनों के, और कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और हाँ जोन हमने के नेबर बाड़े ना जिनका से अच्छा बनेला उनका भी इनवाइट करल जाए, ठीक बा सोहेल? सोहेल, हम तोहरा से बात करत आनी। प्रांजलि, देखा तुहार बर्थडे में भी एक महीना के वक्त बा, बहुत टाइम बा, अभी बात पे हम बाद में भी डिस्कस कर सके नी जा। देखा ये वक्त हम बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी बानी, कांट यू सी दिस? अगर हमार बर्थडे नहीं खे सेलिब्रेट करेगा तो क्लियर क्लियर बोल का ही नहीं खदेत। प्रांजलि, तू जाने लू इस समय हम हरी सिंधु के केस में बिजी बानी, बहुत इम्पोर्टेंट केस भाई, दो दिन में हमरा एकरा शूट करे के बाद रेडी करके क्लाइंट के देवे के बाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, हम बिजी हैं। ठीक बा, कभी हरी सिंधु कभी जावेद खान, बस ये सब, हमने के प्यार तो कुछ है ही नहीं खे, और ना ही हमने दोनों की वादा कुछ भी ना, बस तुहार केस क्रिमिनल और तुहार इंडियाज वांटेड क्रिमिनल शो, ये सब कुछ बाना। पागल हो गई बाड़ू का प्रांजलि, कैसा बात करता तू? हाँ हाँ पागल हो गई बानी हम, और ऐसा करा तानी हम अपने आप के ही मार लेता नहीं। हमरा कोई बात नहीं के करे के तरह से। हाँ, हमरा से बात करल ही बेकार बा, इंतजार करत रही कि तू काम से आई बा और हमरा के टाइम दे बा, हमरे साथ टाइम स्पेंड कर बा, अच्छे से बात कर बा, लेकिन ना तोहार इस शो ही सब कुछ बाना, हम तो तोहरा खातिर कुछ नहीं खेना। सोहेल, अरे तू तो हमार बात सुना था नहीं खा, ना सुन बाना, मतलब ये हमरा के सच में पागल समझता ना, हम आज मर ही जाता नहीं, किस्सा ही खत्म कर देता नहीं। प्रांजलि, प्रांजलि गंदरका, देखा पागलपंथी मत करा गंदरका। पागल ही तो हो गल बानी, अभी तो तू कहला कि हम पागल हो गल बानी, हम मर जाता नहीं ना। प्रांजलि प्लीज, हम पागल, देखा हमार बात सुना प्रांजलि, देखा पास मत आवा हमार, प्रांजलि चुप रह, पागल बानी ना, पास मत आवा हमार, प्रांजलि तू चुप रहा, देखा ही गंदम दादा, मरे तो जाता नहीं, खुश रहा ना तू, और बस ये चाहता रहा ना तू कि अपन मनमानी करी, अब देखिया हम मर, प्रांजलि पागल मत बना, खुश रहिया तू, देखा देखा हम करता नहीं, रुका देखा, आलिया ई का करता रु, छोड़ा हमरा के, मरे दा सोहेल, गंदा हमरा के चाहत का बड़ा, समझत का बड़ा अपना आपके, हम ना रहब जिंदा, देखिया जब हम मर जाएब ना तब तोहरा के एहसास होई, का करबू तू, का करब ना, पागल बानी ना, देखा बतानी अभी, प्रांजलि 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 का करो ताड़ू, सोहेल जी का आप बता सकता नहीं कि पिछले कुछ दिन से प्रांजलि डिप्रेशन में चलत रही? आई मीन हमार कहे कि मतलब ये बाकी आप कहले रही कि आप अपन काम में बहुत बिजी रही और इनका अटेंशन की जरूरत रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अटेंशन ना मिले के वजह से ये डिप्रेशन में चल गई होकस, और डिप्रेशन में जाए के वजह से ये कदम उठा ले होकस? ना सर, प्रांजलि से बहुत प्यार कर रही सर, बस थोड़ा सा बहस हो गई रहे,
इका कर दिलास लेकिन अब हमरे सामने वक्त देत रहती ओकरा कभी भी अटेंशन की कमी ना मिल सर इनका पेरेंट्स सर अभी रास्ते में ही है ना हॉस्पिटल आवत हुई है सर ठीक है हम जाके एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा जरूर जरूर पूरा करें सर कहाँ लगा था आपके फिलहाल तो ही सुसाइड के केस लगा था हमने के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के वेट करे के हुई तब तक तू एगो काम करा इनका अड़ोस पड़ोस से पूछताछ करा और प्रांजलि और सोहेल के करीबी दोस्त सबसे पता करा कि इनका बीच में कोनो अनबन तो ना रहे चल कल शायद अपन शो में क्रिमिनल जावेद खान के सरेंडर करे के चेतावनी देला के बाद सोहेल अख्तरी कबो सोचले भी ना होखे कि कल के रात उनका ला मायूसी लेके आई पुलिस से हमके पता चला कि उनके वाइफ सुसाइड कर ले बाड़ी सुसाइड के मोटिव का रही तो अभी ना पता चला हमके मगर सूत्र से पता चला कि डिप्रेशन में रहली डिप्रेशन की वजह कहा सोहेल और प्रांजलि के तनाव या कुछ और तो वक्त बताए लेकिन न्यूज में हम आपके अपडेट देत रह जैसे हमने के बात सोहेल जी से हुई तब तक आप देखत रही एक्सप्रेस टुडे का प्रांजलि और सोहेल के बीच में कोनो अनबन जी नहीं बल्कि सोहेल प्रांजलि के खुश रखत रहे हमके नेखे लागत कि वो दोनों के बीच में कबो कोनो अनबन होकल होई साहब सोहेल एगो अच्छा इंसान हो वो हमेशा प्रांजलि के खुश रखत रहे सहदेव जी अगर प्रांजलि और सोहेल के बीच में कोनो अनबन ना रहे यानी कि प्रांजलि खुश रही तब फिर वो सुसाइड काहे कैली सर वो प्रांजलि जल्दी ही गुस्सा जात रहा है छोट बात पर भड़क जात रहा है इनफैक्ट चार साल पहले वो सुसाइड करे कोशिश कर ले रहा है का रीजन का रहे सर रीजन तो कुछ ना रहा है सोहेल से छोट बात पर झगड़ा फैल रहे होकर बस कपड़ा के लेके वो सुसाइड करे की कोशिश करत रहे ता सोहेल ही ओकरा बचे ले रहे का कुछ दिन पहले वो ऐसा बात शेयर की ले रही जैसे कि के उसे नाराज भइल होकस चाहे के उसे झगड़ा भइल होके ना साहब ऐसा तो हमनी के कबो कुछ ना बतावलस आपके दूगो बेटी और बड़ी ना जी नम्रता सबसे बड़ बिया यूएस में रहेले और अंकिता लंदन में हमने के वो दोनों के भी स्टेटमेंट लेवे के होखी जी सर हम उनका इन्फॉर्म कर दे हम ठीक बा अगर हमने के और कोनो इंक्वायरी की जरूरत पड़ी तो आपसे पूछताछ करब जी ठीक बा थैंक यू Ha